अरे जो गोरा कुड़िया आवा ओकरे बहिन हुई नवा लगा भाई जब बेचे थवा ये समाज के ही हिस्साई करावे थे बिहार में का बा बिहार में भैया मेट्रो ट्रेन बन रहा है बिहार में गोल घर है बिहार में बहुत कुछ है मरीन ड्राइव हवा नालंदा खंडारा हवा फलनमा हवा राजगीर हवा हवा आओ कोचे जाओ बिहार में सोनो बच्ची समर सिंह समर सिंह समर सिंह समर सिंह एक ऐसा क्या बताया जाए मुजरिम कह लिया जाए अपराधी कह लिया जाए हत्यारा कह लिया जाए तरह तरह की चीज़ें हैं। आज जिस तरह से गिरफ्तार हो गया है और समर सिंह क्यों गिरफ्तार हुआ है आकांक्षा दुबे के मर्डर केस में, सीधी सी बात। और ये मामला आप भी जानते हैं गाजियाबाद से सारनाथ वाराणसी पहुंच चुका है, सारनाथ वाराणसी पहुंच चुका है। आज शनिवार था और शनिवार के कोर्ट में भी पेश हुआ। कई लोगों ने और खुद उसने अपने जुबान से कबूला कि मैंने हाँ उस दिन धमकी दिया था, बस इतना ही करके चुप हो गया। पुलिस के कस्टडी में जब था तो कहा कि मैं धमकी दिया था। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है और एक एक शब्द निकल कर आएगा। अच्छा चलिए बात कर लेते हैं समर सिंह समीर चौधरी से। समीर चौधरी बड़ा कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। अभी मैं फ़ोन लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाना है कुछ। समीर चौधरी आप देख सकते हैं एक्टर समर जी। भैया को प्रणाम। क्या हाल है भैया? जोश एक्सप्रेस ठीक है, जोश एक्सप्रेस ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ भैया। अभी आपके यूपी के लिए एक गाना बना रहे हैं, ये वो नेहा राठौर है, लगा हुआ पर बहन है भाई के कर हवा। अरे जो गोरा कुड़िया हवा ओकरे बहन हुई नवा लगा भाई जब बेचे थवा ये समाज के ही हिस्सा ही करावे थे बिहार में का बा बिहार में नीतीश जी के ला चिंते लगे की सब आदमी बा हमरा गाना भैया काहे बिहार को बदनाम कर रहे हो। बिहार में भैया मेट्रो ट्रेन बन रहा है बिहार में गोल घर है बिहार में बहुत कुछ है मरीन ड्राइव हवा नालंदा खंडारा हवा फलनमा हवा राजगीर हवा हवा आओ कोचे जाओ बिहार में सोनो बच्ची बिहार में कहाँ जाए अरे भैया ही सही कहिएगा अरे भैया हमारा देखा समीर तो विवादित आदमी है ऐसा था कि दिक्कत हो जाए। अरे भैया मेरे ये वो एफआईआर हो जाती है आपका दिक्कत होती है आपको फांसी चढ़ा देती हमरा कि हम लोग नेशनल गा देते थोड़ा सा यही अब तनी मनी भेज बुआ तनी तनी शेयर वर मरवा दिया तनी निहां तक आवाज चल जाए क्योंकि अभी गाना बनाया है उसके लिए। अच्छा रिकॉर्डिंग के रूम में बैठे हुए हैं रिकॉर्ड हो रहा है तो यही वीडियो हम चलवा दे रहे हैं रिकॉर्डिंग ही चलवा दे रहे हैं कि देख लीजिए समीर चौधरी ने फिर नेहा के बाद उनको ललकारा तो फिर वो अगला वाला डायलॉग निकल गई तो ठीक है डायलॉगवा के काट दे जाए क्या दिक्कत है। हाँ तो वो तो ठीक है डायलॉगवा अगर मैंने ये को नहीं बताया कि रफ अगर जहाँ लगे जहाँ आपको लगे कि समीर भाई को यहाँ समाज से इंस्टाई वाला समीर एक कलाकार है कला। अच्छा अच्छा ये बताइए कि समीर भैया अभी कभी हम लोग चाहेंगे कि आप मतलब जो चीजें हैं इस तरह से समझते हैं ना मनीष भैया अगर गलत है तो हम आवाज उठाए थे आपके सामने आप आए भी तो बहुत बढ़िया से हम बात कर रहे थे आज भी कर रहे थे तो हमारा गाना में भैया जब अच्छा हो गई तो हम आवाज उठे ना गाना के माध्यम से आवाज उठे लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कई लोग कह रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं समीर भैया जिस तरह से अगर देखा जाए मनीष भैया पे ही हम लोग बात कर लेते हैं कई लोग कह रहे हैं कि ये भी नीतीश कुमार की तरह पलटू निकल गया ये कहाँ तक सच्चाई है। ये जी हमरा कह रहा है हम सब सबके कह रहे हैं कि भाई हमरा चार बोरिया पैसा मिला है जेकरा में जोश एक्सप्रेस या फिर जो भी मीडिया के माध्यम से लोग कह रहे हैं कि हमको पलटू राम हम उस सबको दिए हैं पैसा सबके ऊपर मनीष वाला एक आध दो केसवा लाद दीजिए ऐसा कहा है काहे मतलब सोच रहे काहे ये लगी भैया मेरे कि हम एक समाज का व्यक्ति है हम नेपाल से या जापान से न चिपटा पे हम नहीं है
या हम अफगानिस्तान या बांग्लादेश से नहीं आए हैं। जी बिल्कुल, बिहार का बेटा है, बिहार का बेटा को आज देख रहे हैं जिस तरह इतना बार रिमांड रखा जा रहा है, इतना तो कसाब के भी न रख के हो तो। तो हमारा कहना है कि उसने जितनी बड़ी गलती की थी उससे ज्यादा बड़ी गलती का सजा मिल चुका है उन्हें। अच्छा, ऑटोमेटिक अगर देखा जाए, ऑटोमेटिक आपका चेंज जो पुतला फूकता था, जो विरोध करता था, उस समीर का ऑटोमेटिक माहौल मूड कैसे चेंज हो गया? बस तनमन यही हृदय परिवर्तन बिहार के लोग के जल्दी हुआ है। हाँ, ये तो बात है, ये तो मैं जानता हूँ, चूंकि मैं बिहार से ना, लेकिन बिहार के लोगों ने बड़ा सम्मान दिया। गाना अभी जो मनीष भैया पे हम गाए थे सीरीज यूट्यूब पे जैसी बोलवा गनमा आ जाए तो बता नहीं भाई के लिए उसको जरा कमिटी मार दीजिए थोड़ा सा। और एकदम कर दे, कौन सा एक बार गा के सुना भी दीजिए। गा के तो सुनाइए रे, वैसे टनाटन सीरीज पे है भैया भौजी आज उठाई बिहार के बेटा के बिहार लाई चाचा चाची दादा दादी आवाज उठाई बिहार के बेटा के बिहार लाई। क्या बात है, क्या बात, मतलब अगर बिहार आ जाएंगे तो फिर पुरानी वाली कहानी चालू कर देंगे आप। अरे भैया, परिवर्तन हो ले, समीर परिवर्तन ना हो ले। अच्छा, अगर देखा जाए भैया, मनीष भैया पे जिस तरह से चल रहा है, क्या लगता है आप? तो एक सत्र के बाद वकील भी नहीं काम करेगा, ना जज काम करेगा, जिस तरह से लग गया है, जो धारी लग गया आसाराम के ऊपर, आज तक कोई भी जो आसाराम जो जेल गया हुआ है इतना दिन में काहे नहीं बेल हो रहा है उसको। चलिए ठीक है जोश वाले भैया, आपको बहुत बहुत ये है, लेकिन याद रखिए कि जो भी हम, चूंकि मैं आऊंगा मिलने के लिए भी, थोड़ा सा गांव में, मैं गांव में आ गया हूँ, गांव के में अगर मेरा वीडियो आप देखेंगे तो खेती होती में खेत पे बैठ के ही आपका ऐसे ही सोचा कि हम सवालात कर रहे थे समर सिंह पे, जिस तरह से समर सिंह पे ही ऐसे। अच्छा ठीक है, ठीक।